So speed and velocity will continue. So again speed. Now what is speed? Speed is the rate of change of distance by an object. So rate of change of distance. सो इनू मैथमैटिकली असी किद्दां लिखदे आ, सो पूरी गल तुसी बुक च देख सकदे हो. सो इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑबजैक्ट. स्पीड इज़ डिफाइंड एज, स्पीड नू असी इस तरह परिभाषित करते हाँ, चाल नू इस तरह परिभाषित करते हाँ कि ए दूरी तय करन दी दर समय दे अनुसार, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पैक्ट टू टाइम. सो समय दे रिस्पैक्ट विच, समय दे हिसाब नाल जिहड़ी दूरी तय की गई, दूरी दे तय करन दी जिहड़ी दर आ उहनू आपां जिहड़ा वा चाल जां स्पीड कहिंदे आ. सो इहदा फार्मूला जिहड़ा मैथमैटिकली असीं लिखिआ सी, असीं कहा सीगा कि मन लो टी इन टी टाइम मतलब टी जिहड़ा हैगा असीं नोट कीता 5 सेकेंट 10 सेकेंट, इसलिए इहनू कॉमिआं विच पाया. सो टी टाइम ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स और कवर्स ए डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स मीटर. सो टी सैकेंड दे विच, इत्थे सैकेंड लिख दें, कन्फ्यूजन होवे सैकेंड पूरा लिख दें. सो इन 1 सैकेंड टाइम ऑब्जेक्ट कवर्स ए डिस्टेंस equal to unitary method x over t. So unit will be meter second minus 1. हर वेले यूनिटा दा बिल्कुल ध्यान रखना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तुसी गल कर रहे हो उहदे नाल उहदे यूनिट लिखने जरूरी हुंदे आ. सो ये हर वेले हर जगह ते तुसी ध्यान रखना इस गल दा. सो इहदा मतलब आ कि असी यूनिटरी मैथड लगा के असी एक फार्मूले ते पहुँच गए आ वाले. हुण इह की फार्मूला दसदा पिया वा, इह सानूं इह दसदा पिया कि एक सैकेंड विच इन्नी दूर चला गया. हुण इह वाली चीज़ दा नाम आपां स्पीड रख दित्ता, स्पीड. सो स्पीड इज़ इक्वल टू बेसिकली दिस इज़ डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन. सो डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन. सो डिस्टेंस उन्हें किन्ना कवर किया तो टाइम किन्ना उन्हों लगा. हुण असी फिर प्रैक्टिकल गल करते हैं, असी एक स्कूटर बाइक कार वगैरह की गल करते हैं. उहदे विच तुहानू पता कि वह लग्या हुंदा ओडोमीटर, उहदे विच स्पीड आती है, उत्थे यूनिट लगे होंगे, इदां डब्बा जिहा बनिया हुंदा. जे तुसी बाइक एक्टिवा बाइक जां कोई भी स्कूटर वगैरह देखिया होवे तो उहदे विच इदां इत्थे डब्बे लिखे हुंदे आ, इहदे विच नंबर चलदे आ. सो मान लो कि इत्थे किसी वेले इदां इदां नंबर लिखे होण, आ वाला जिहड़ा नंबर हुंदा, आ वाला डब्बे वाला नंबर, ये आ कोई भी मीटर जिद्दां बिजली दा मीटर भी हुंदा सी उहदे च भी, ते आ वाले डब्बे दे विच एक नंबर जिहड़ा हुंदा उह फटाफट नठदा रहिंदा वा. जिद्दां मान लो इत्थे 3 लिखिआ होवे किसे वेले, जिद्दां ही तुसीं बाइक वगैरह नूं स्टार्ट करना, आ वाला नंबर फटाफट 3 4 5 6 7 8 9 नाल ही इत्थे 0 आ जाणा, नाल ही आ वाला नंबर 5 हो जाणा. सो जिद्दां ही इत्थे 0 आणा, मान लो इत्थे इहनूं मैं लिखा भी एक बार बार की हुंदा पिया, इत्थे 4 आजूगा, 5 आजूगा, 6 आजूगा, 7 आजूगा, एटसेट्रा 9 आ गया, फिर इत्थे 0 आ गया. जिद्दां ही इत्थे 0 आया, आ वाली जगह ते 5 आ जाणा. सो इहदा जिहड़ा सिस्टम आ डब्बे दा तुहाडे दा, वो सिस्टम बदल जाणा. सो आ जिहड़े डब्बे हैगे आ, सो ये इदां चेंज हो जाणा. सो इत्थे 3 नहीं रहना, इत्थे 5 रहना, 0 0. सो इस तरह यह तुहाडा जिहड़ा हैगा वो चलदा हैगा. ए किलोमीटर के हिसाब नाल हुंदा इह जिहड़ा तुहाडा बाइक वगैरह दे विच एक्टिवा वगैरह च इह मीटर लगा हुंदा, इह तुहानू दसदा कि तुसीं इन्नी दूर आ गए, कार च हुंदा, बसां च हुंदा. सो जिद्दां ही जिहड़ा आ वाला हुंदा इह हुंदा मीटरां वाला, ठीक है, मतलब 100 100 मीटरां दा इह हुंदा, 100 100 मीटरां दा, ते आ जिहड़ा हो गया इह किलोमीटर दा हुंदा, ठीक है. जे मान लो इह रीडिंग जिहड़ी हुंदी इत्थे जिद्दां हुण 5 0 आ, जदों इत्थे 6 0 होजूगी ए वाली रीडिंग, आ वाली चेंज हो के, सो इफ दिस बिकम्स दिस 6 0, सो आ पहला डब्बा जिहड़ा कि फटाफट बदली जांदा. मान लो कि एक वेले इदां आऊगा ही इत्थे 6 0 होजूगा, 3 5 0 0, दैन दिस मीनस कि हुण तक इत्थों लैके इत्थों तक तुसीं किन्नी दूर चल गए, 1 किलोमीटर दूर.
सो ये मीटर दे विच तुसी इस तरह रीडिंग देख सकते हो कि तुसी इत्थों 5 तों 6 आ गए, इहदा मतलब आ कि तुसी जिहड़ा 1 किलोमीटर हो गया। सो मेरे ख्याल ये गल तुसी समझ सकते हो, प्रैक्टिकली घर तुहाडे आले दुआले बाइक होएगा, कार होएगी, उहदे च तुसी देख सकते हो कि आपां ये चीज़ देख सकते हैं। इहदा मतलब डिस्टेंस आपां किद्दां पता करांगे हर वेले, सो इहदा मतलब यू विल ऑलवेज हैव सम रीडिंग। से यू विल हैव दिस, मैं यही ले लैंदा कि मान लो कि 34 मैं इन्ने तीन खानिया के हिसाब न रीडिंग लैंदा, सो मान लो कि मेरी रीडिंग 34.3 हैगी आ, ठीक है। सो 34.3 रीडिंग आ मेरी पहली रीडिंग, कि रीडिंग इनिशियल रीडिंग जो मैं टाइम T0 नोट किया, मतलब जो मैं घरों चलिया तो मैं अपने बाइक को देखा, मेरी घड़ी इन्ने टाइम T0 होया, बाइक के उपर इन्ना रीडिंग मैं नज़र आ रही थी। पहले तीन खाने मैं लै रहा सिर्फ, बाकी नहीं लै रहा, सो सिर्फ तीन खानिया की गल कर रहा क्योंकि पिछले काफ़ी देर बाद बदलने हैं, सो फॉर कन्वीनियंस मैं सिर्फ आ दो तीन खाने लिखता पाँ। सो ये X0 रीडिंग आ, जो मैं घरों चलिया, मान लो मैं घरों बाइक चुकया, घरों चल पाया, फिर मैं बाजार बजूर घूमन गया, कितने काम गया, होर गया, स्कूल गया, कॉलेज गया, वट एवर हैपन, घूम घम के जो मैं वापस घर आ गया, तो मान लो इतने रीडिंग जी आ चुकी सी, वो आ चुकी सी मान लो 3.9.5, ठीक है। सो इदा की रीडिंग आ चुकी है इतने, यही कौन है X1, तो कदों जदों टाइम T1 हो गया, मैं घरों गया, घर वापस आ गया, कोई जो भी काम कुम सके वो कर करके मैं वापस आ गया। हुण इत्थों तुहानूं की दिखता हैगा, सो इत्थों तुहानूं दिखता हैगा तुसीं किन्ना ट्रैवल किते, 39.5 तों 34.3, सो 5 चों 3 घटाओ 2, ते 9 चों 4 गए 5, इहदा 5 किलोमीटर ते 200 मीटर, मतलब टोटल जिहड़ा हैगा घरों जा के घूम घम के बाजार के काम करके स्कूले कॉलेज जा के वापस जो तुसीं घर आए T1 टाइम ते, हुण T1 टाइम कोई भी हो सकदा तुसीं घंटे बाद ही वापस आ गए होवो, जां हो सकदा तुसीं सवेर दे गए शाम नूं घर आए होंगे, ते पर तुहानूं जिथे मतलब तुसीं अपने स्कूल कॉलेज गए आ तां 2 किलोमीटर स्कूल हैगा सी, स्कूले गए फिर स्कूलों वापस आए, विचकार माड़ा मोटा कोई बाजार का काम किया होना, टोटल डिस्टेंस तो उन्ना ही होना। यह है कि टाइम तुसीं किद्दां बतीत किया वो अलग गल हैगी आ, ये थोड़ी तुसीं तुरी गए तुरी गए तुरी गए तो तुरी गए, तुसीं मान लो एक जगह गए स्कूल गए सवेरे तो उत्थे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर बह गए जाके, फिर शाम तक अपनी 5-6 घंटे की पढ़ाई आ वो कीती स्कूले रह के, फिर तुसी वापस भी आना सी रस्ते तुसी बाजार का काम करके आए, तो इदा करके तुहानू 5 किलोमीटर ते 200 मीटर जिहड़े आ बन गए। तो टाइम T0 ते T1, इसलिए मैं टाइम नहीं लिखता पाया, भी हो सकता तुसी जस्ट तुसी फटाफट बाजार गए तो फटाफट वापस आ गए, मीनस तुहानू जस्ट काम सीगा स्कूल दे लागे छागे कोई बाजार सीगा उधर नू बाजार नू गए के जाके वापस आ गए, एंड यू हैव दिस प्रैक्टिकल। सो ये थोड़ी गल समझानी पैंदी आ, इसलिए थोड़ा टाइम लगता, बोरिंग भी लग सकता, बट जे गल चंगी तरह समझ ली तो फिर सौखा लगेगा। इहदा मतलब टाइम जिहड़ा मैं आह कीता काम डिस्टेंस जिहड़ा वा बेसिकली वो मैं किद्दां लिया, सो डिस्टेंस आई एम टेकिंग के मैं देखो X1 दे विच्चों X2 नूं X0 नूं घटाया वा, आ देखो आ कौन सीगा, ए X1 सीगा, आ कौन सीगा X0, आ आंसर किद्दां आया जदों मैं लिखिया X1 घटाओ X0, सो X1 चों X0 घटाया, मतलब X1 माइनस X0 जी मैं किया तो मैनू की पता लगा डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस नूं हुण क्योंकि फर्क आ डेल्टा X लिखूंगा, सो डेल्टा X इज X1 माइनस X0। तो टाइम की गल आप कितनी बारी कर चुके हैं, तो टाइम कितना पता लगना वा, टाइम भी सानू T1 घटाओ T0 तो पता लगना वा, भी पहला टाइम तो दूजा टाइम उन्होंने घटा के ही सानू ये टाइम पता लगना। यदा मतलब फिर स्पीड जी कादे बराबर हुई, फिर स्पीड कादे बराबर होंगी है डिस्टेंस, सो डिस्टेंस कितना वा डेल्टा X, सो असल विच आ फार्मूला थोड़ा बनता डेल्टा X, मतलब दूरी विच पिया फर्क, डिस्टेंस कवर्ड बट टाइम टेकन, सो कितना पता लगना एक घटा के पता लगना, यह प्रैक्टिकल गल आ कि आपां इदां ही ये गल पता लगनी है, होर कोई तरीका नहीं गल पता लाने का। सो जो सच्ची मुची असी पता लाना किन्नी दूर गए, तो पहली दूरी सानू पहला डिस्टेंस पता होना चाहिए वा भी असी पहलों कित्थे सीगे, बाद विच साडी रीडिंग किन्नी आई आ, उन्हां नू घटा के साडे कोल किन्ना आया, तो टाइम का की फर्क पिया हैगा। सो ये जिंदी देर थानू प्रैक्टिकली तुसीं किताब च पढ़ के थानू ये गल समझ नहीं लगनी, ये गल थानू सच्ची मुची बाइक ते बैठ के समझनी पैनी आ कि असी किन्नी स्पीड किन्नी तेज गए हैगे। सो दिस इज़ हाउ यू हैव दिस थिंग,
ये प्रैक्टिकली भी थोड़ा जो फार्मूला वा सो वो थोड़ा आ बन गया सो दिस यू हैव डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी सो ये आप स्पीड की गल की हूँ इस वेले सो स्पीड जिन्हों चाल कहने सो चाल रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड डिस्टेंस यू कैन से ट्रैवल्ड डिस्टेंस विद रिस्पैक्ट टू टाइम सो जिहड़ा टाइम जिहड़ा डिस्टेंस आ उहदे तय करन दी जिहड़ी दूरी आ जिहड़ी उहदी फर्क आ परिवर्तन आ उहदी दर आ जिहड़ी रेट मतलब दर उहदा उहदे परिवर्तन दे विच हो रिहा दर दूरी दे विच फर्क पै रिहा ना हर वेले सो जिद्दां हुण आ वाली जिहड़ी रीडिंग आ इह किन्नी तेज़ तेज़ बदल रही बहुत तेज़ तेज़ फटाफट घूम रही तुसीं बहुत तेज़ जा रहे हो जे आ रीडिंग बिल्कुल हौली हौली घूम रही आ तुसीं मान लो पैदल ही स्कूटर लै के तुरे हुए आ स्कूटर तुहाडे पेट्रोल मुक गया तो तुसी बाइक जिहड़ा हैगा मोटरसाइकिल आ उहनूं पैदल ही लै के तुरे हुए आ तो फिर आ जिहड़े नंबर है इह तां किन्नी किन्नी देर बाद बदलणगे किन्नी किन्नी देर लाणगे पर जे उही तुसी उहदी स्पीड वधाई हुई आ तुसी आम नॉर्मल 30-40-40-45 की स्पीड नॉर्मल कहिंदे आ कंपनी वाले रख्या करो तो मान लो तुसी 40-45-50-60 की स्पीड ते हैगे हो तो तुसी देख सकदे कि आ नंबर फटाफट नठिया जा रहा आ वाला नंबर जिहड़ा बहुत तेजी नाल वधी जा रहा जदों ये बहुत तेज़ वधूगा तो जीरो किन्नी वारी फटाफट आऊगा तो उदों ही आ नंबर भी अगला नंबर भी फटाफट आऊगा आ भी छेती आऊगा इहदा मतलब इहदी बदलन की दर जिहड़ी आ सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जिहड़ा हैगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस सो ये वाली रीडिंग तो पता लगेगा जे तुसी पैदल स्कूटर बाइक लैके तुरे हुए हैं तो आ नंबर जिहड़ा हैगा हौली 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 बदलूगा किन्नी देर बाद 3-4 क्योंकि पैदल तुरे हुए हैं भार भी खिंचते पए हैं तो थानू स्पीड थोड़ी घटी होगी बिल्कुल ही लत्तां दे भार पै रहा वा स्कूटर बाइक का तो तुसी हौली हौली मजे नाल तुरते पए हैं भी थक भी गए होंगे सो इहदा मतलब आ वाली चीज़ बहुत ही हौली जिहड़ी आ उह बदलूगी पर जे तुसी उहनू स्टार्ट करके उहदे ते बैठे आ बाइक ऑटोमैटिक चल रही हैगी आ उहदी स्पीड 50-60 दे करीब हैगी आ 70 दे करीब हैगी आ तो फिर उस वेले आ नंबर बहुत तेजी नाल बदलूगा जिद्दां ही आ नंबर पहला बदलूगा इत्थे जीरो जिन्नी वारी आऊगा उन्नी वारी इत्थे अगला नंबर शिफ्ट हुंदा जाऊगा मतलब उत्तों तुहानू आ जिहड़ी दूरी आ उहदे बदलण दी दर पता लग जूगी कि दूरी बहुत जल्दी जल्दी बदल रही हैगी हिसाब नाल भी थोड़ी स्पीड ज़्यादा हैगी सो दूरी बटा समा ठीक है ना एक सेकेंट के किन्नी दूर चल जाने एक मान लो इतों लैके इतने तक पहुँचने ही थोड़ा एक सैकेंड लगा तो बहुत तेज़ आई बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ भी इतों एकदम ही ऐ करके भी चुटकी मारते सारी भी दिन जिफी तुम इतों इतने पहुँच गए रीडिंग से यदा मतलब तुम एक दो सैकेंड ही बड़ी तेज़ बहुत स्पीड चुकती है ना सो वाहवा स्पीड से जा रहे हो सो मेरे ख्याल गल तुसी प्रैक्टिकली भी समझ रहे हो सो ये चीज़ां जिहड़ियां फिजिक्स दे विच हुंदियां वो प्रैक्टिकल ही समझण वालियां हुंदियां वा कल्ला रट्टा लाण वालियां नहीं हुंदियां सो इन्हां नूं प्रैक्टिकली आपां समझना हैगा कि स्पीड की चीज़ हैगी आ जिन्नी देर तक सानूं स्पीड ते डिस्प्लेसमेंट ते डिस्टेंस ते वेलोसिटी वगैरह ये चीज़ां समझ नहीं लगदियां उन्नी देर सारी फिजिक्स जिहड़ी आ साडे लई बेकार होणी आ ये बिल्कुल बेसिक आ इत्थे जे टाइम ज़्यादा लगदा वा आप कर करके देख लो आप समझ लो प्रैक्टिकल करके देख लो ठीक है सो तां कि ये चीज़ां सानूं जिहड़ियां छेती समझ लग जाण सो ये थोड़ी स्पीड की गल होगी और स्पीड जिहड़ी हुंदी है एक फिजिकल क्वांटिटी आ ओबियसली फिजिकल क्वांटिटी आ क्योंकि इहनूं नाप सकदे आ सो फिजिकल क्वांटिटी आ सो भौतिक राशि आ ये सो फिजिकल क्वांटिटी आ इहनूं फिर आपां मेजर करदे आ मेजर किद्दां करदे आ मीटर सैकेंड माइनस वन दे विच करदे आ जिहड़ी मोटरसाइकिल बाइक ते करदे आ उह किलोमीटर पर आवर हुंदी आ KMPH किलोमीटर प्रति घंटा सो इहनूं किलोमीटर पर आवर असल विच जिहड़ी मोटरसाइकिल कार दे विच तुहाडी रीडिंग आउंदी बस दे विच उह किलोमीटर एक घंटे च किन्नी दूर चल गए तुसीं उह रीडिंग आउंदी आ हुण किलो दा मतलब हुंदा हज़ार किलो मैने हुंदा हज़ार इहदा मतलब किलोमीटर मैने की होया हज़ार मीटर एक घंटे का की मतलब हुंदा एक घंटे का मतलब हुंदा वा 60 मिनट सो 60 मिनट ते एक मिनट का इहदा मतलब 60 वारी 1 मिनट इहदा मतलब 60 वारी 1 मिनट ते 1 मिनट कौन हुंदा 60 सेकेंट ते 60 इहदा मतलब 60 × 60 वारी 1 सेकेंट इहदा मतलब 1 सेकेंट किन्नी वारी 3600 वारी मतलब 3600 सेकेंड सो एक घंटा जिहड़ा हुंदा वा 1 आवर आ उह 3600 सेकेंटां दे बराबर हुंदा सो एक किलोमीटर जिहड़ा वा 1000 मीटरां दे बराबर हुंदा वा जे आपां हुण कहिंदे किलोमीटर प्रति घंटा सो किलोमीटर पर आवर इहनूं असीं KMPH कह दिंदे आ KMPH सो किलोमीटर प्रति दा मतलब आपां की दस्सिया बटा सो प्रति मैने बटा बटा मीनस आवर सो किलोमीटर उपर आ
सो किलोमीटर मैंने किन्ने मीटर 1000 मीटर ते आवर मैंने किन्ने सेकेंड 3600 सेकेंड। सो आपां की करना चाहते सी आपां इनू एस आई विच बदलना चाहते सी। सो आ 2 जीरो नाल 2 जीरो कैंसल हो जाणियां, 2 दे टेबल ते 2 5 दा 2 1 8 सो 5/18 मीटर पर सेकेंड। यदा मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो हैगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा का की मतलब आ कि 1 किलोमीटर तुसी 1 घंटे विच जा रहे हो, 1 किलोमीटर 1 घंटे जा रहे हो तो उन्होंने 1 किलोमीटर पर आवर लिखोगे। सो 1 किलोमीटर 1 घंटे दे विच। ते जे मीटर सेकेंटा की गल करनी आ तो मीटर सेकेंट का मतलब हो गया 5/18। हुण 5/18 जो तुसी डिवाइड करके चैक करो तो ये तुहाडे किन्ने मीटर ते किन्ने सैकेंड बनणगे, इहदा मतलब असल में तुहानू इत्थे दस की रहा हैगा, ये तुहानू इस वेले असल च ये दस रहा कि तुसी जिहड़ा हैगा अपने कोल 5 मीटर जिहड़े आ वो 18 सेकेंटा विच जाने पए आ। थानू आ गल इतों आ जो लिखा हुआ इतों क्लीयर की हों कि 5 मीटर दूर जाने लिए 18 सेकेंट लगते पे आ। सो ये असल में आ जाता है 0.27, जे आप 1 सेकेंड का हिसाब लाना वा तो 0.27 मीटर 1 सेकेंट के जे इन सही इदा बिल्कुल हिसाब लाना सही तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड थोड़े दो एक दो चुटकियाँ मारो इदा चुटकी मारो तो 1 सेकेंड बीत जाता वा तो उन्नी देर में 0.27 मीटर। हम 27 मीटर का मतलब हम पॉइंटा च आ गया तो यह मतलब लगभग 27 सेंटीमीटर लगभग आ रहा है, लगभग आए भी लगभग गया क्योंकि अगर फ्रैक्शन चली जानी है। सो ये फिर 27 सेंटीमीटर हो गया 1 सेकेंड के। सो यदा मतलब तुम यूनिट कन्वर्शन जी है भी थानू बहुत इंपोर्टेंट है, ये पता होने चाहिए आ भी तुम कि करते पे हो। सो तुम 1 सेकेंड पता लाना सी, 1 सेकेंड सिर्फ 27 सेंटीमीटर दूर गया। सो 27 सेंटीमीटर थोड़ा जोड़ा जमैट्री होंगी 30 सेंटीमीटर वाला स्केल हों। सो यदा मतलब वो 27 सेंटीमीटर तुम देख सकते हो कि 1 सेकेंड जी चीज़ आ 0 तो लैके 27 सेंटीमीटर मार्क तक ट्रैवल की आ। तो फिर यदा मतलब कि वो चीज़ 1 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, यदा मतलब जी वस्तु हैगी 1 किलोमीटर ट्रैवल करने लिए 1 घंटा ला रही है। हम 1 किलोमीटर किन्ना हो सकता वा हम तुम हिसाब ला सकते हो बई आप कि लाइए हिसाब जिदा। हाँ चलो जलंधर तो लैके तो लुधियाना जोड़ा लगभग 60 किलोमीटर आ, ठीक है तो 60 किलोमीटर आ। तो जे वो स्पीड इन्नी की आ 1 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो फिर तो यह मतलब कि 60 जोड़े है घंटे लगन गए क्योंकि जे उपर थले बराबर कर देव मैं 1 किलोमीटर आ टोटल वो 60 किलोमीटर आ तो 60 किलोमीटर 60 घंटे, ठीक है यदा मैं 60 घंटिया 60 किलोमीटर जाऊगा क्योंकि उपर थले आपां सेम नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि 60 घंटे लगन गए 60 किलोमीटर यदा मैं जलंधर तो लुधियाना ट्रैवल करन 60 जे इन्नी स्पीड ही हुई तो पर आम करके जी बस या कार की स्पीड होंगी वो होंगी इन्नी आ 60 किलोमीटर 1 घंटे होंगी आम करके जी आप आम देखते हैं वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होंगी स्पीड होंगी यदा मतलब 1 घंटे 60 किलोमीटर पहुँच जाने आम करके। जे जलंधर तो लुधियाना जाना हो घंटे के लगभग 60 किलोमीटर ट्रैवल हो जाते हैं। सो यू रीच देयर इन 1 आवर। सो आम प्रैक्टिकल स्पीड है ये भी 60 किलोमीटर रही हुई आ ठीक ठाक जी स्पीड आम करके तो ज़्यादा भी होंगी 70-80 भी लोग रखते कारा कुर बहुत तेज चलाते। सो प्रैक्टिकल आ ये भी इदा हों सची मुची इदा ही करते हैं आप। सो मैं इतने जो बहुत गल् करता पाँ वो सची मुची जो आम जिंदगी बीत दियाँ वह गल् मैं करता पाँ कि सची मुची स्पीडा कि कारा मीटर से की रीडिंग आऊगी वो हिसाब न आप सारी गलबात समझते पे हाँ। सो ये गल् जी स्पीड की गल तो सिर्फ इन्नी क्या कि स्पीड इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस विद रिस्पैक्ट टू टाइम आ उ स्पीड की डेफिनेशन जी डिस्टेंस ओवर टाइम आ स्पीड की गल खत्म हो गई असल में जो नंबर के हिसाब न तो गल इन्नी की आ जे कल्ली आप नंबर लैन वाली भी गल करनी तो नंबर लैन के पॉइंट ऑफ व्यू ना तो इन्नी की गल आ बस कि स्पीड की होंगी आ। सो समय के नाल दूरी तय करन दी जिहड़ी दर हैगी उहनू असीं स्पीड कहने वो गल खत्म हो गई। पर जे गल असीं सारी समझनी आ सची मुची भी सारा कुछ है कि हुंदा कि पिया फिर थोड़ा जिहा सारा कंसैप्ट क्लीयर करना पऊगा। सो देयरफॉर यू हैव स्पीड इज़ डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। सो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी आ
जिन्हों की असी मीटर पर सैकेंड में एस आई के नापते हैं, तो ये जी यूनिट कन्वर्शन आ किलोमीटर पर आवर के हिसाब न वो भी मैं थोड़ा दस दते कि आएंगे। सो 27 सेंटीमीटर पर सैकेंड बनने, 5/18 मीटर पर सैकेंड लिख सकते हो किलोमीटर पर आवर में। जो थोड़ा लोड पैगी कहता कि कोई जिदा होना 60 किलोमीटर पर आवर हैगा तो इनू फटाफट तुम 60×0.27 मीटर पर सैकेंड कर सकते हो, भी इन्नी जी थोड़ी मीटर पर सैकेंड के हिसाब ना एस आई थोड़ी जी इन्नी स्पीड बननी हैगी। सो यू कैन डायरैक्टली कन्वर्ट बाय दिस मैथड और यू कैन हैव 5/18। सो यदि थान से 5/18 भी लिख सकते 27 की थान से। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट डायरैक्टली क्विकली के इनू असी किदा कन्वर्ट करना है जरूरी आ। सो फिजिकल क्वानटिटी मीटर पर सैकेंड यूनिट है एंड इट इज़ अ स्केलर फिजिकल क्वानटिटी। स्केलर हम स्केलर का की भाव है इतने, ये एक अदेश राशि आ। अदेश मतलब यदि दिशा तो रहत, यदि दिशा नहीं होंगी, स्पीड की कोई दिशा नहीं होंगी, स्पीड बस उदी ही होंगी कि स्पीड हैगी आ, ठीक है। सो यदि दिशा नहीं हैगी कोई भी, स्पीड की कोई दिशा नहीं हैगी, सो विदाउट डायरेक्शन आ, बस स्पीड हैगी आ भी इन्नी तेज़ बंदा जा रहा, इन्नी तेज़ चीज़ चल रही आ, किधर नू जा रही आ वो नहीं आप दसते पे, बस वो स्पीड हैगी आ स्पीड आ। सो आई थिंक नाओ एवरीथिंग इज़ क्लीयर। सो असी स्पीड जिहड़ा हैगा, सो टाइम रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस बाय एन ऑबजैक्ट इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। यूनिट एस आई यूनिट इज़ मीटर पर सैकेंड एंड सी जी एस यूनिट इज़ सेंटीमीटर पर सैकेंड। तो ये जो डिमेंशनस है वो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। सो डिमेंशनस जो आप लिखनिया हो डिमेंशनस, क्योंकि इतों तुम देख सकते हो दूरी बटा समा आ। सो ये एल बनया तो ये अपने को टी बनया, सो एल टी एम एच आता नहीं, मतलब एम जीरो एल वन तो टी माइनस वन ए स्पीड दियाँ डिमेंशनस आ। सो स्पीड दियाँ डिमेंशनस अपने को आ गई एम जीरो एल टी माइनस वन। सो इस तरह अपने को स्पीड दियाँ डिमेंशनस है, स्पीड का यूनिट मीटर पर सैकेंड आ। सो मीटर पर सैकेंड, किलोमीटर पर आवर एस आई वाला मीटर पर सैकेंड आ, सी जी एस लिखना आ तो सेंटीमीटर सैकेंड इनवर्स आ। सो सेंटीमीटर सैकेंड इनवर्स सी जी एस विच आ। जे वो फुट पाउंड वाला सिस्टम लेना वा तो सेंटीमीटर फुट पर सैकेंड आजूगा, ठीक है। सो इस तरह यह जिहड़ा आम करके आप एम के एस या एस आई ही चलते हाँ, तो लोड पैन दे असी सेंटीमीटर पर सैकेंड विच भी आ जाने, तो वो कन्वर्शन आ। प्रैक्टिकल यूनिट किलोमीटर पर आवर आ, जिहड़ा बसा कारा दे विच चलता, मोटरसाइकिल वगैरह ते चलता, वो किलोमीटर पर आवर के हिसाब नाल चलता वा भी एक घंटे असी कितनी दूर पहुँचते पे हाँ। एक किलोमीटर पर आवर नूं असी 5/18 मीटर पर सैकेंड लिख सकते हैं, जिन्हों होर कन्वर्ट करिए 0.27 मीटर पर सैकेंड जिहड़ा हैगा वो लिख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर रिलेटेड टू दिस स्पीड। सो स्पीड की डिमेंशनल फॉर्मूला, स्पीड की डेफिनेशन, सो ये मोटे तौर पर जिहड़ा हैगा स्पीड के बारे अपने को गलबात सी वो हो गई। थैंक यू।